हरियाणा न्यूज के साथ कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि सरकार में किसान खुश हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आगामी चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनाते हैं आपको। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक होनी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं। सर, आज क्या कुछ बैठक में खास रहने वाला है? हरियाणा सरकार ने किसान हित में फैसले लेने के लिए किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया है और इसमें बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे लगभग वरिष्ठ अधिकारी हैं, अलग अलग जगह के जो प्रगतिशील किसान हैं, और इनका मकसद यही है कि भविष्य के लिए जो किसानों के हित में नीतियां बनाए, किसानों को पैसे फायदा हो। हरियाणा सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं उनका परिणाम क्या आया है और सारा जो किसान वर्ग है उसके हित में क्या क्या नया किया जा सकता है, ये इस प्राधिकरण का उद्देश्य है। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार ने सबसे अच्छी नीतियाँ बनाई हैं, किसानों को सबसे ज़्यादा हम फायदा देते हैं, फसलें ज़्यादा खरीदते हैं, भावांतर भरपाई देते हैं, माइक्रो इरीगेशन का स्कीम हमारी है, नहरों का बजट हमने बढ़ाया है, बिजली की सुविधा अच्छी देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडियाँ हम बना रहे हैं। और आगे भी इस प्राधिकरण के जो रिकमेंडेशन आएंगे हरियाणा सरकार उसमें गंभीरता से सकारात्मक रूप अपनाएगी। किसान हित सर्वोपरि है, हरियाणा किसानों का प्रदेश है, इसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी किसान के हित में कोई योजना हो उसको लागू करें। आपने कहा आप किसानों के हित में काम करते हैं, लेकिन राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में और उन्होंने कृषि मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल में कृषि मंत्रालय ने बजट का 1,00,000 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिया है। इससे ये साबित होता है कि कृषि मंत्रालय का किसान कल्याण बोर्ड से कोई वास्ता नहीं है। इसीलिए जो है दीपेंद्र ने कहा है कि केंद्र सरकार और कृषि मंत्रालय को किसानों से कोई लेना देना नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा जी आधा सच बोल रहे हैं। उनको ये भी बताना चाहिए था कि केंद्र सरकार में 2013-14 के अंदर कृषि का बजट कितना था, 25,000 से बढ़ा करके, करोड़ से बढ़ा करके 1,25,000 करोड़ किया। हरियाणा किसान का जो कृषि विभाग का बजट 800 करोड़ रुपये था 14 में, उसको हमने 3,900 करोड़ किया। और जो भी विभाग होता है बजट जो खर्च होता है आमतौर पर वो 75-80% ही होता है, 90% होता है, 100% एक आध विभाग का होता है, किसी किसी विभाग का ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये आधा सच बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी जो है किसान के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। उनको अपने वक्त के टाइम देखना चाहिए कि किसान को ना बीमा मिलता था, ना मुआवजा मिलता था, ना फसल बिकती थी। आज किसान को घर बैठे जो है खाते में सीधा पैसा देते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो 1,00,000 करोड़ रुपए का जो सरेंडर करने का फैसला है आपका, वो किसानों पर के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। और उन्होंने एक एनसीआरबी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है कि 2014 से और 24 तक लगभग 1,00,000 किसानों ने आत्महत्या की है। रोजाना 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। खैर, ये आंकड़े मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि कांग्रेस के वक्त में किसान आत्महत्या करते थे और हमारे प्रदेश के अंदर कोई किसान आत्महत्या नहीं करता। कांग्रेस आज हम देख रहे हैं कि जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस चला रहे हैं, कुमारी सैलजा रणदीप सिंह सुरजेवाला किरण चौधरी हरियाणा संदेश यात्रा चला रहे हैं, इन यात्राओं का कितना असर देखते हैं आप हरियाणा की राजनीति पर? ये चुनाव के वक्त में ज्यादातर कांग्रेसी इनको गांव गरीब किसान दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बाकी वक्त ये 5-स्टार होटल में रहते हैं, किसानों के बीच में नहीं आते, किसान की सुध नहीं लेते। और कांग्रेस पार्टी जो है परिवारों की पार्टी है, अपने अपने परिवार का कब्जा पार्टी पे कब्जा करने की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। सत्ता तो इनको मिलने वाली है नहीं, इनको वही रिजल्ट इस बार मिलेगा, 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, विधानसभा के चुनाव में हम फिर तीसरी बार सरकार बनाएंगे। सारा देश मोदीमय हो गया है, सारी दुनिया के अंदर मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। आज प्रत्येक भारतवासी के चेहरे पे खुशी है
कि भारत को जो उसका स्थान है दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, डिप्लोमेसी में, वो मिलता जा रहा है। जो प्रबंधन कोरोना में किया, जो धारा 370 का, और खासकर जो राम मंदिर का निर्माण किया है, हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार दुनिया में हुआ है, तो उससे सारे लोग जो है फिर से मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। कांग्रेस घर घर जाए या घर से बाहर जाए, कांग्रेस को कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। अच्छा सर, आपने कहा अभी कि जो जानकारी थी कि जिस तरह से 10 की 10 लोकसभा सीटें आप जीतेंगे, उस पर जेजेपी भी कुछ सीटें का दावा कर रही है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से अजय सिंह चौटाला का बयान आया कि या तो मैं चुनाव लड़ूंगा या दिग्विजय चुनाव लड़ेगा, तो लगता है कि गठबंधन में कुछ सीटें दी जा सकती हैं? कल मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे प्रभारी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ेगी। राम मंदिर को लेकर के भी आपने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस समय देश भर में जो है राममय हो रहा है। कांग्रेस ने किनारा कर लिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हम इवेंट बना दिया है बीजेपी ने केवल इसे, और अधूरा निर्माण कराकर लोकसभा में चुनाव का फायदा लेना चाहती है। चुनाव का फायदा लेने के लिए तो राहुल गांधी जी ने ये इसके अयोध्या में ताला खुलवाया था, लेकिन इतने सालों से रामलला को टेंट में बैठा रखा था। प्रत्येक भारतवासी के दिल में एक कशिश थी कि हमारी भारत भूमि में ऐसा क्यों हो रहा है, और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला हुआ राम मंदिर के हक में, उससे प्रत्येक भारतवासी खुशी है, और जो भव्य निर्माण किया मंदिर का उससे भारतवासी खुश हैं, और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के द्वारा सारे शास्त्रों के विधि विधान के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 तारीख को होगा, सारे देश में खुशी की लहर है। एक लास्ट सवाल सर, INDIA गठबंधन को लेकर ले लेते हैं, क्योंकि इस बार देश भर में काफी चर्चाएं चल रही हैं इसको लेकर के। चंडीगढ़ से एक खबर है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता हुआ है, मेयर आम आदमी पार्टी का होगा, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर वो कांग्रेस का होगा। आगे पंजाब को लेकर के भी इस तरह का प्लान है, हरियाणा को लेकर के भी इस तरह का प्लान है, तो जब एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो किस तरह से आप देखते हैं INDIA गठबंधन को? मैं समझता हूं कि पूरे देश में देशवासियों ने इस बार फैसला कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को लोग 50% से ज़्यादा वोट देंगे। कितने ही गठबंधन हो, कुछ भी हो, एक तरफा चुनाव रिजल्ट आएंगे, 400 से ज़्यादा लोकसभा सीटें हम जीतेंगे, और ये बच्चा बच्चा आप कहीं पर जाके देखो वो बोल रहा है। तो हरियाणा कांग्रेस को सर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या आम आदमी पार्टी के साथ, आपकी क्या राय है? हरियाणा कांग्रेस कैसे भी चुनाव लड़े, उसकी वही हालत बननी है, 0-0। तो 10 की 10 सीटें आपकी खाते में आएंगी? जी, धन्यवाद। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में हरियाणा 10 की 10 सीटें जीतेगी और देश भर में 400 से ज्यादा सीटें पर कमल खिलेगा। कैमरामैन राजेश के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़।